नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रक्सौल में एसडीएम आरती के नेतृत्व में एक बैठक हुई संपन्न। गरुड़ ऐप से बीएलओ को कराया गया अवगत। दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में नामांकन वापसी के दिन एक मुखिया समेत तीन ने लिया नाम वापस। पूर्वी चंपारण के फिनहरा प्रखंड का है मामला। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की ओर से किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। जरूरतमंदों का किया गया हेल्थ चेकअप। रोटरी क्लब मोतिहारी की बड़ी पहल, गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत मास्टर अंश कुमार के दिल में छेद का कराया सफल ऑपरेशन। मोतिहारी के काशी अरेराज में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और सुगौली में बलभद्र पूजनोत्सव का हुआ भव्य आयोजन, ढाका विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। रक्सौल में एसडीएम आरती की अध्यक्षता में सभी बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ एक बैठक संपन्न हुई। आयोजित इस बैठक में सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को गरुड़ ऐप के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उनके क्षेत्र में सभी बीएलओ के साथ समन्वय कर मतदाता सूची का शुद्धिकरण और छूटे हुए लोगों का नाम अविलंब जोड़ने का भी निर्देश दिया गया। इस बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप सौरव भी उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण के फिनहरा प्रखंड में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए दिए गए नामांकन में एक मुखिया समेत तीन प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। आरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा ने बताया कि शनिवार को नाम वापसी का दिन था, जिसे मनकरवा पंचायत से मुखिया पद के लिए मधुसूदन कुमार ने नाम वापस ले लिया है। आरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा ने बताया कि शनिवार को नाम वापसी का दिन था, जिसमें मनकरवा पंचायत से मुखिया पद के लिए मधुसूदन कुमार ने नामांकन दाखिल किया था, जिसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं खान पीपरा पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए अभय कुमार और बारा परसौनी पंचायत के वार्ड नंबर 15 से अनपति देवी ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं बाकी सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिया गया। मौके पर एआरओ सह सीओ विजेंद्र कुमार सिंह, रंजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पुनीत रॉय वगैरह मौजूद थे। बिहार का काशी कहे जाने वाले अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। कांवरियों व डाक बम की भीड़ को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन व मंदिर प्रबंधन ने प्रथम पूजा के बाद करीब 2 बजे रात्रि में ही शिव भक्तों के लिए जलाभिषेक व पूजा के लिए महादेव मंदिर का पट खोल दिया गया। बता दें कि कोरोना काल के बाद से करीब 2 साल बाद मंदिर में इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सह अरेराज मंदिर के पीठाधीश्वर रविशंकर गिरी द्वारा डाक बम व कांवरियों के लिए प्रकाश, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, नियंत्रण कक्ष सहित अद्भुत व्यवस्था किया गया है। सोमेश्वरनाथ नगरी में लगा अनंत चतुर्दशी मेले का निरीक्षण पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा 250 से अधिक पुलिस बल व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन व मंदिर प्रबंधक की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। वहीं मंदिर परिसर से लेकर पूरे क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक नियंत्रण कक्ष, ड्रॉप व फिक्स गेट लगाए गए हैं। इस बार महिला व पुरुष कांवरियों के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा अलग अलग अर्घा की व्यवस्था की गई है। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल में किया गया। आयोजित इस मेडिकल कैंप का शुभारंभ डॉक्टर परवेज अजीज और रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर हिना परवीन, डॉक्टर फैसल आलम, रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। विश्व का एक ऐसा संस्था है कि जो विश्व के 200 से ऊपर देशों में फैला हुआ है, और इसका मेन मकसद ही है समाज सेवा, सर्विस अबव सेल्फ। तो इसी सर्विस अबव सेल्फ के फॉर्मूला के तहत हम लोग पूरे साल कहीं ना कहीं कुछ नीडी लोगों को, जिनको ज़रूरत है वैसे लोगों के लिए हर तरह के काम करते हैं। तो ये भी आज का जो मेडिकल
हेल्थ चेकअप कैंप है, ये भी इसी के तहत है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के यूनिट में बहुत सारे डॉक्टर्स, सभी स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स हैं और सभी वॉलंटियरली ये इस तरह के कैंप करने के लिए अपने को वॉलंटियर करते हैं। तो आज डॉक्टर हीना जो काफ़ी एक्टिव मेंबर है हमारे, वो अपने को वॉलंटियर की, साथ में वो अपने हस्बैंड डॉक्टर फैसल जो काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, तो और ये लोग सारे मिलके, इनके फादर डॉक्टर परवेज रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं मोतिहारी की, ये लोग सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो के आज मोटा मोटी अभी तक 500 पेशेंट्स का तो लाइन लग चुका है और हमको लगता है कि दिन भर में इसकी ये संख्या बढ़ेगी। सब तरह के टेस्ट हुआ है और पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों का सालों भर चलता रहता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम ओपीडीज देखते हैं तो बहुत ऐसे पेशेंट्स को हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग लिखते थे, बहुत ऐसे पेशेंट्स को देखा ना कि वो लोग मतलब इन्वेस्टिगेशन करा नहीं पाते थे, मतलब पैसे की कमी है, किसी को कोई मजबूरी है, कुछ है। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों नहीं एक कैंप ऑर्गेनाइज करा जाए जिसमें कि रोटरी की तरफ से कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मेरे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ पैथ लैब्स हैं, तो सबसे मिलकर हम लोग बैठ के एक मीटिंग किए, क्योंकि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा मतलब करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे क्या होगा कि बहुत ऐसे गरीब पेशेंट हैं जिनको हेल्प हो जाएगा। तो ये मेरा मेन एम था जो आज पूरा हुआ और बहुत सक्सेसफुल हुआ और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो सारे जितने रोटरी के मेंबर हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी जिस त्रासदी से हम लोग बाहर निकले हैं, कोरोना की त्रासदी से बाहर निकले हैं, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में, हमारे चीज़ें हमारे जो लोगों में हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ढूंढने के लिए, जिनको पता करने के लिए स्पेशली इस तरह के जो स्क्रीनिंग कैंप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिससे कि हमारी जनसंख्या में हमारे जो लोग हैं उनमें तमाम तरह की जो स्पेशली आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के बारे में जानकारी हमको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मिल सकती है कि मास लेवल पे अगर हम बहुत सारे लोगों का जाँच करते हैं तो जाँच करने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि इसमें कितने लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ होने वाली है, तो हम उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या वेट रिडक्शन या डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ों करके डायबिटीज़, ओवर डायबिटीज़ होने से उनको हम बचा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हम लोग लिपिड प्रोफाइल कर रहे हैं, तो लिपिड प्रोफाइल स्पेशली ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी नॉन वेज का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, तो लिपिड प्रोफाइल से भी हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा आदमी ऐसा है जिसको कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी या डिजीज़ होने की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, तो उससे लिपिड प्रोफाइल से हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग कदम उठा सकते हैं। जस्ट लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगेन फिर ये रोटरी के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह के इतना मेगा कैंप का आयोजन किया और इतने सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। कैंप के जरिए लोगों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है और रोटरी भी एक सेवा करने वाला इंटरनेशनल इदारा है। और बहुत पहले मैं भी कभी मेंबर रह चुका था उसका, उसके बाद मैंने लाइन्स ज्वाइन किया। ये काम बहुत बड़ा हो रहा है और हमारी लड़की जो है और ये डॉक्टर फैसल प्लस रोटरी के टोटल लोग, इन्होंने मिल के बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस रोटरी की है, जो हमारे मरीजों का है, वो भीड़ से पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा विश्वास उन लोग का है, उस विश्वास पे पूरा उतरते हुए जो बातें हुई हैं ठीक से हम लोग उसको देख सकें, भले जितना रात लगे और देख के या इस पुण्य अच्छे काम को कर सकें। आज रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा और एक ब्लड टेस्ट कैंप रखा गया है और इसमें सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परवेज हॉस्पिटल, डॉक्टर परवेज साहब को, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर हिना को, जिनके सहयोग से यह कैंप संभव हो पाया है। इन्होंने समाज के वंचितों के लिए, गरीब पेशेंट्स के लिए, जो लोग अपना किसी तरीके से
इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाते हैं, अपना टेस्ट वगैरह नहीं करा पाते हैं और अननेसेसरी किसी न किसी बीमारी के छोटे लोकल लेवल पे क्वेक्स वगैरह से किसी न किसी तरीके का इलाज कराते रहते हैं, अननेसेसरी का मेडिसिन का यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनका सही बीमारी का पता चल सके और यूज़फुल जो उनके लिए दवाइयाँ हो वो देख कर और उनको दिया जा सके, इसी पर्पज़ से यह कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। सुगौली नगर पंचायत की विष्णुपुरवा रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बलभद्र पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ढाका विधायक पवन जायसवाल, पूर्व जीप अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेता हरिमोहन भगत, राष्ट्रीय वैश्व महासभा के प्रदेश महासचिव संजय जायसवाल सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वैश्व समाज के उत्थान पर प्रकाश डाला। पूजनोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने किया। वहीं विधायक पवन जायसवाल को व्यवसायिक संघ के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार ने सम्मानित किया और अन्य अतिथियों को समिति से जुड़े लोगों ने सम्मानित किया। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस कथन को सही में साबित कर दिखाया है रोटरी क्लब मोतिहारी ने। गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत मास्टर अंश कुमार के दिल में छेद का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कोलकाता के प्रसिद्ध नारायणी अस्पताल में रोटरी क्लब मोतिहारी ने रोटरी क्लब पाटलिपुत्रा और बिहार सरकार के सहयोग से कराया है। रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष रोटेरियन विकास कुमार ने रोटरी क्लब पाटलिपुत्रा के रोटेरियन पीजीडी बिंदु सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि रोटरी क्लब मोतिहारी हमेशा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किया है। साथ ही बताया कि बच्चों के दिल में छेद का ऑपरेशन काफी महंगा होता है, इसका सहन गरीब परिवार से आने वाले लोग नहीं कर सकते। रोटरी क्लब मोतिहारी के सचिव रोटेरियन डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने सभी से निवेदन किया है कि अगर आपके घर में या आसपास में किसी बच्चे के दिल में छेद है तो आप रोटरी क्लब मोतिहारी से संपर्क कर सकते हैं, हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। आज मास्टर अंश कुमार के दिल में छेद का सफल ऑपरेशन के बाद मोतिहारी आगमन पर स्थानीय रेड क्रॉस भवन में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब मोतिहारी की डायरेक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, रोटेरियन मनीष कुमार, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर अमित कुमार, कृष्णा राज गढ़िया सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। रोटेरियन महेश प्रसाद सिन्हा ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद दिया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।